है, राजपूत ओड़ है, कच्छ से, कच्छ से ना, मतलब कच्छ से। कच्छ ही कच्छ। तो अभी क्या बच्चों के लिए तूने पकाया है? यार कुछ आटा पड़ा था थोड़ा सा। हाँ, जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे आप? तो यार मुझे ना बुखार बहुत था, तो बीमार हो गया था मैं। ये वीडियो बना बना कर बीमार हो गया था, तो इस वजह से मेरे 2 दिन वीडियो नहीं आए। और अभी मैं जा रहा हूँ हेमराज भाई के पास, और वहाँ पे जो ओडू के घर है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप मुझे बोलते हैं कि यार ओड है नहीं है, तो ओडू का घर दिखाऊंगा। और जो आप पूछते हो ना कि बिश्नोई जाति, तो बिश्नोई जाति के बारे में मैंने पूछा, उमरकोट में मेरे को बोला है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा कुछ देर के बाद ना, तो आपको वो दिखाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी हम जा रहे हैं इस तरफ, हेमराज भाई की तरफ। वो हेमराज भाई का घर है, देखते हैं क्या कर रहा अभी। तो ये हमारा गांव है, अभी अपने गांव में, उस तरफ है अपना घर, और इस तरफ ओडू के घर है, वहाँ पे भी चलेंगे। क्योंकि भाई मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि यार ओडू के घर है या नहीं है। तो भाई ब्राह्मण का घर है हमारे पड़ोस में, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ कुछ दिन के बाद। उनका वीडियो, उनके घर है, मतलब 6-7 घर है उनके, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे। तो इस तरफ हेमराज भाई अभी बिछात कर रहा है नानजी भाई के लिए। हेमराज भाई राम राम। यार मुझे तो रात, खाना बना रहा था अभी, अच्छा रोटी वोटी पकाई। मुझे तो यार रात इतना बुखार था पूरा, मेरा मेरे कपड़े पूरे मतलब ये भीगे हो गए थे, भीग गया था, इतना बुखार था, फुल बुखार हो गया था। तो इस तरफ अच्छा हुआ था, पसीना हुआ तो बुखार निकल गया, वरना बहुत तकलीफ होती। तो एबराज भाई को, जो इस भाई ने हेल्प की थी, तो ये सावर वगैरह लगाया हुआ है ऐसे ना एबराज भाई? और रात वाले चावल है, अच्छा बच्चे खा रहे हैं। अच्छा भत्त रद्दे हुआ है, मतलब चावल पकाए हैं। हाँ, और ये चावल रात वाले हैं, और ये आलू है, आलू का फ्राई किए थे। हाँ, तो अभी आपको किस्सा अच्छा लग रहा है ना, मदद किसी भाई ने की आपकी? तो काम तो चल रहा है इसमें, अच्छा लग रहा है, चलो सही है। तो फिर अभी यार घर बनने वाली, रिक्वेस्ट करो किसी को, हमारा कमरा बन जाए तो यार मतलब हो जाए सभी। हमारा। ये तो ये छोटी बच्ची खा रही है, खरा देवराज भाई की। दूसरे कहाँ के लड़के? एक स्कूल गया है, बस 3 ही है, एक उधर है। कहाँ कहाँ छोटा लड़का कहाँ गया सबसे? अच्छा इधर घूमने गया है। तो ये हेमराज भाई का इस तरीके का घर है। तो हेमराज भाई की किसी भाई ने मदद की थी, तो अभी हेमराज भाई ना ये इसमें लगा के अभी बेच रहा है ऐसे ना हेमराज भाई? अच्छा दिहाड़ी बाड़ी मिल रही है? नहीं मिल रही अभी, अभी तो धंधे थोड़े सिलो। कल तो काम नहीं चला, कल 150 रुपये मिले, 150 में से तेरे को पता है कि पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं निकले। अभी परसों तो निकले थे, तो उससे एक दिन लगता है, तो 2-3 दिन थोड़ा मसला हो जाता है काम का। तो अभी तो है डीरा, धंधे नहीं है ना, काम नहीं है ना, काम पैसे अभी नहीं है, नहीं। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो पैसे बने। इस तरफ ये बेर का बाग है ना, बेर लगे हुए और ये घास काट के जा रहे हैं। तो इस तरफ है, अभी देखते ओडू के घर पे चलते हैं, वो है घर पे जा रही है। तो ये हमारे हेमराज भाई का घर है, ये रिक्शा है हेमराज भाई का। अभी हम जा रहे हैं ओडू के घर पे, तो देखते कौन कौन है घर पे। ज़्यादातर को इनके जो मर्द होते हैं वो कराची रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है बराड़ी में ना। तो अभी देखते हैं कैसे घर है इनके। तो ये हमारे ओडू के घर है। आप पूछते हो कि पाकिस्तान में ओड है या नहीं है, तो ओड बहुत है ऐसे ना काकी? ओड जाम रहे हैं पाकिस्तान में। शू थे तुम्हारे फालिज? तो ये हमारी चाची है, ये रत्तू। हाँ ये रत्तू है ना, रत्तू उनकी वाइफ है, तो इनको फालिज हो गया। तुम्हारे शूज आते हैं चल जाती रहो तुम्हें। ओड क्या ओड के रहो? कच्ची ओड के रहो। तो ये कच्ची ओड है पाकिस्तान के, कच्ची ओड है। तो आपके मर्द कहाँ गए दूसरे? हाँ दुकान पे, और कोई कराची है ना। तो ये हमारे ओडू के घर है, ये रत्तू भाई का घर है। ये इनका दरवाज़ा है नहीं, इन्होंने बड़े ऐसे ही जुगाड़ किया हुआ है ना, एक जो मतलब पर्दा लगाया हुआ है वो फटा सूटा है, पर्दा भी फटा है। अब देख देख सकते हैं ना, पर्दा पूरा फटा हुआ है। तो ये इनका जो बोर्ची खाना है, ये इनका यहाँ पे मतलब खाना वगैरह पकाते हैं, ये बोर्ची खाना है। और ये हमारे रत्तू भाई का घर है कुछ इस तरीके का, 1-2 पेटी है, और बर्तन आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। तो ये रत्तू भाई ने इस तरफ मंदिर बनाया, अभी इसको तैयार कर रहे हैं मंदिर को ना। और इस तरफ हमारे जीजा जी का घर है। तो ये ओडू के घर है,
तो राजपूत पिएगी तवा ओ कितना रे ओ चार है। अच्छा तबे राजपूत हो राजपूत हो तो ये बोल रहे कि हम रहते असल में कच्छ में रहते थे इस वजह से कच्छी कहलाते हैं, नहीं तो हम राजपूत है। और ये घर है, ये भाई भी कराची चले गए, ये भी कराची है ना, मजदूरी करने चले गए। इनके घर में भी बिस्तरे वगैरह है, एक पंखा और साइकिलें भी है भाई छोटे बच्चों की ना, चार पाई एक उल्टी पड़ी है। और ये इनका बोर्ची खाना है, ये दो बकरी है इनकी, एक ये बकरी है एक इस तरफ है ये बकरी, और ये बर्तन वगैरह पड़े मतलब तबार मतलब फाली थी जो है, तो खर्च तो जाप थी शायद तवे तो ठीक। और तो इनको फाली जो गया था तो अभी मतलब ये गरीब बेचारे थे तो इनके खर्चा कर करके ना जो बाल वगैरह थे बकरी वगैरह बेच के रुड़े इनके इलाज करवाया रतु भाई ने इनकी वाइफ का, तो अभी तो बोल रहे ठीक हूँ मैं, चलो ठीक है। तो रतु भाई है नहीं, नहीं तो उनसे भी आपको बात करवाते ना, वो शायद स्टाफ पे उधर मिल गया था वहाँ पे आपसे बात करवाऊँगा। अभी हेमराज भाई के बच्चे खाना खा रहे हैं, एक ये छोटा बच्चा है ये ना सबसे छोटा, या ये नहीं ये रहा इधर कहीं बैठा होगा ये रहा ये, और ये है ये लड़की है ये लड़का है, अभी आलू की सब्जी खा रहे वाली है, ठंड भी चल रही है, कमरा नहीं बन रहा है यार, कोई आश्रय नहीं है कहीं से, कहीं भगवान देगा तो क्यों ये कैसे खाना खा रहा है, रोटी कैसे देने आएगा, कोई देगा तो मिलेगा, भगवान देगा ना, मेरे को आश्रय नहीं हो रहा है अभी। तो ये रतु वाले ओड कौन से रहे हेमराज भाई, ये रतु वाले कौन से ओड है, ये कच्ची ओड है कच्ची, और ये बोले कि हम कच्छ में रहते इस वजह कच्ची कहलाते, नहीं तो हम के राजपूत है। हाँ वैसे राजपूत भी बोलते हैं मगर कच्छी बोल रहे हैं, बाकी दूसरे इधर मीरपुर शहर में बैठे वो सारे सिंधी हैं, ये कच्छी बोल रहे हैं। अच्छा और वो इस तरफ बैठे ये बाबू गोठ, ये इनके ही माइट है, अच्छा एक ही है ये। तो ये बारे नानजी भाई आए टंडोलिया से, बाबा रामदेव के जहाँ मंदिर है ना बड़ा, वहाँ से आए ऐसे ना हेमराज भाई। मैं आया हूँ अपने राजपूत जो ओड राजपूत हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से कच्छ भुज से था, तो अभी हमारे साथ ही रहते हैं मीरपुर खास ज़िले में। तो ये हमारे मिर्चू राम है और क्या नाम है आपका, रत्तू राम है, राम राम भाई राम। ये हमारे मिर्चू राम, आप बताएं आप के हो, अपना कौन से आप ओड हैं, राजपूत राजपूत, अच्छा कच्छ भुज से इंडिया इन मतलब पहले इनका ताल्लुक था इंडिया में कच्छ भुज से, तो ये हमारे ओड है। आप मुझे पूछते हैं कमेंट में कि ओड रहते हैं, तो ये हमारे ओड भाई हैं, ये हमारे साथ ही रहते हैं ऐसे ना, साथ में रहते हैं ना हम तो, ये और ये भी राजपूत कच्छी कहलाते हैं यहाँ पे ना, कच्छी राजपूत ओड। हाँ तो हम तो इनको ओड ही बोलते हैं, राजपूत या कच्छी नहीं बोलते ऐसे ना चाचा, नहीं बोलते ना। तो ये इनका घर है, ये प्लाट लिए हमारे साथ ही हैं, ये हमारे प्लाटिंग है, तो ये इनके घर घर है मतलब। और एक आप लड़का आपका फौज में भी है ना, सरकारी ड्यूटी है ना उसकी, तो हमारे यहाँ पे हिंदुओं को सरकारी ड्यूटियाँ भी दी जाती है, तो ये पूछते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को कुछ मतलब मिलते हैं, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर हिंदू ही हैं ऐसे ना। चलो ठीक है धन्यवाद। तो ये थे भाई हमारे कच्छी, और ये आप कौन से कोली हो, ये आसोरिया कोली है, इनका ताल्लुक तो भाई अपना गुजरात से ऐसे ना, हासोर तो गुजरात में है ना, हासोर हासोर राजस्थान में, हाँ राजस्थान, तो हम भी आसोरी है ना, हम भी आसोरी है, आप भी आसोरी है राजस्थान में। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, ये मेरी गाड़ी है, आप पूछते हो ये गाड़ी कौन सी है, तो ये गाड़ी है होंडा 70cc 2008 मॉडल है। तो दोस्तों मैं अभी दुकान पे पहुँच गया हूँ, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये थे ओल्ड राजपूत जो घर हैं, तो और भी ओल्ड बैठे हैं, तो वहाँ पर कभी मैं जाऊँगा उनका वीडियो में दिखाऊँगा। तो इस तरह हमारा भोजा है, भोजा भाई ये भोजा मेघवाड़े, किस चीज़ का काम करते हो, मोची का काम करते, मोची का काम करते, कौन से मेघवाड़ो आप, हम कच्ची मेघवाड़े, कच्ची मेघवाड़े हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जय श्री राम जय श्री कृष्ण।